हेलो एवरीवन, मैं जिन्होंने आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए क्या 75% क्राइटेरिया के अंदर कोई चेंज होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके हैं कि क्या सर ये चेंज होगा। क्योंकि पिछले दिनों न्यूज आई थी एनसीईआरटी की तरफ से कि जो अकेडमिक प्रोग्राम है वो आपका इस तरीके से बनेगा 9th, 10th, 11th, 12th को लेके, ठीक है। लेकिन आपको बता देता हूं कि आपके लिए इस साल लागू होना ये पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि देखो आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी ये चीजें देखी है, लेकिन फिर भी बच्चों के मन में ये डाउट रह गया कि चेंज होगा, बच्चे ये सोच रहे हैं। तो भैया मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं कि इस चीज पे बिल्कुल भी नहीं जाना। एनसीईआरटी ने जो सजेस्ट किया है वो हो सकता है अगले साल तक लागू हो या उससे आगे भी, सिर्फ सजेस्ट किया है। आपको जो चलना है वो सिर्फ 75% बोर्ड के अंदर आपको लेके आना है, तभी आप IIT, IIIT, NIT और GFTI के अंदर एडमिशन ले सकते हो। कहने का मतलब इस चीज पे आपको एक चीज और भी बच्चों के मन में डाउट है, क्या मैं जेई मेन का एग्जाम दे सकता हूँ अगर 75% ना आए तो? हाँ, आप एग्जाम दे सकते हो। अगर आपके 75% नहीं आ रहे हैं प्लस टू के अंदर तो आप एग्जाम तो जेई मेन का आप दे सकते हो, लेकिन आपको IIT, NIT, IIIT, GFTI के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना है। तो उसके लिए देखो भैया, जनरल के जो बच्चे हैं, OBC के बच्चे जो कैटेगरी में आते हैं, EWS में जो बच्चे आते हैं, उन बच्चों को 75% बोर्ड के अंदर लेके आने आते हैं, या फिर टॉप 20% बोर्ड के अंदर होने चाहिए। यही चीज अगर SC और ST PW कैटेगरी के अंदर जो बच्चे आते हैं उन बच्चों के लिए 65% या फिर टॉप है 20%, ये आपके लिए होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि अगर जनरल OBC EWS उन बच्चों के लिए 75% बोर्ड के अंदर होने चाहिए तभी आप इन चार के अंदर एडमिशन ले सकते हो, नहीं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। इसलिए बोर्ड को पूरा पूरा ध्यान में रखते हुए 75% पे फोकस करना है। किसी भी न्यूज पे आपको एकदम से नहीं जाना है, क्योंकि जब फाइनल नोटिफिकेशन आ जाता है ना उसी चीज को हमारे को मानना होता है। क्योंकि वो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे क्या सर चेंज होगा, न्यूज आ रही है, लोग भी बोल रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, ऐसा आपको नहीं सोचना। फाइनल आ जाएगा तो हम मान लेंगे, ठीक है। जो बच्चे 25 के लिए जेई 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो तो बिल्कुल भी ना माने इस बात को, एकदम से ये चीजें चेंज नहीं होती, सिर्फ सजेस्ट किया गया है एनसीईआरटी की तरफ से, इसलिए तैयारी करनी है। और अपने प्लेटफॉर्म पे PYQ भी क्लासे आ रही है, 1x1 आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहे हैं, हर टाइप के क्वेश्चन हर चैप्टर से मैं करवा रहा हूँ, उन क्वेश्चनों को करना है ताकि आपके प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व हो जाए। उसके अलावा भी किसी बच्चे को डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की स्पेशल हम सीरीज भी लेके आएंगे जब बच्चों के कुछ सिलेबस नज़दीक लग जाएगा, तो उसके बाद हम शुरू करेंगे। बाकी 1x1 क्वेश्चन भी अपने प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, सभी बच्चे उन क्वेश्चनों को देखें और एक एक कॉन्सेप्ट को समझें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने तक पढ़ते रहे और मज़े करते रहे।